तो अभी नया तरीका अपनाने जा रहे हैं कनक की धुआई करने का। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फिर ऊपर एक ट्रैक्टर उठा लेंगे हम। अपने मुंह से बड़ा तो चश्मा पहन के रखा है। जाइए कटर को चलाइए। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है द जजमेंट डे। जजमेंट डे मीन्स हम जा रहे हैं ये जो लगी है ना गेहूँ इसको काटने, वो एक हमने वो पूरा एक वो रख दिया हुआ तीन रेटे इसके। आज हम थोड़ा हाथों से काटेंगे और मशीन से भी काटने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हाथों से काटेंगे फिर मशीन से भी काटने की कोशिश करेंगे। कटर भी हमारे पास, आज हम बीस्ट को नहीं लेके जा रहे हैं, ये छोटी बसंती जा रही है जिसको राइड करेंगे द कनेडू राइडर के मामा जी। ये द रिशु HP39 ब्लॉग्स। और चलते हैं गाइस, अभी लेट हो रहे हैं, हम अब इसको लेके जाएंगे, इस पे चल जाएंगे हम ट्रिपलिंग करके। लेट्स गो, मिलते हैं आपसे सीधा उस जगह पे जहाँ पे हमारे खेत। आउट गाइस, ये ऑयल है और ये हमारी मशीन है जिसको ब्रश कटर कहा जाता है। और ये कुछ इस तरीके से हमारे खेत हैं। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है और वहाँ से लेके इधर तक, इधर इधर इधर, ये पूरे ऊपर तक दिख रहे हैं वो खेत है हमारे। सो कल एक राइड थी इसीलिए नहीं जा पाया कि सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि भाई घर वाले जाने दे रहे थे। ये हमारे माता जी हैं जैसा कि आपने वीडियोज में देखा होगा, जाने नहीं दे रहे थे इसलिए ये कनक काटने एक तरफ की काट के आ चुके हैं हम, ये दूसरी तरफ लग रहे हैं। ऐसे ही हमारे तीन और हैं, ये तीन जगह। और ये देखो कुछ इस तरीके से अभी मशीन चलाऊंगा मैं, ये वाली स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी वंदना की जाएगी। इसको स्टार्ट किया जाएगा, जय पूजा की जाएगी इसकी, देन आफ्टर हम लग पड़ेंगे। सो बताएंगे आपको कि कैसे काट जाती है। ब्लॉगिंग तो आपने अच्छी देखी होगी, लेकिन आप धान फसल की कटाई भी देख लीजिए, गेहूं की कटाई। लेट्स गो गाइज, बाकी ये सब देख रहे हैं कि कब मैं बंद करूँ तो शुरू करूँ। गाइज बेसिकली कुछ इस तरीके से कटती है कनक, ये जो दिख रही है अभी फिलहाल आपको। और ये हमारी मशीन पड़ी है, थोड़ी सी हमने काट ली, थोड़ी सी मैंने पहले काट ली क्योंकि अभी इतना स्वभाव नहीं पड़ा है कि जल्दी से दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से कटती है और अभी मैं काट के दिखाता हूँ आपको इस पावर बीटर से, इस ब्रश कटर से मैं कनक काट के दिखाता हूँ आप। वैसे गेहूँ काटने के लिए ये उचित नहीं माना जाता है क्योंकि इसके बाद बांधनी पड़ती है। हाँ, धान काटने के लिए बहुत बढ़िया रहता है ये, एक तरफ को ऐसे फेंकनी पड़ती है, बस उसको बांधना नहीं पड़ता है। सो दैट मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे काटते हैं। सो गाइस ये सेफ्टी बेल्ट कुछ इस तरीके से पहनी जाती है, हमने ऐनक वगैरह हेलमेट वगैरह लगाया नहीं है। सो ये कुछ इस तरीके से मशीन है, इसको यहाँ से ऑन किया जाएगा और पुराने इंजन की तरह से इसकी किक को ये स्टार्ट हो गया। अब इसको डालते हैं ऐसे करके इधर, ऐसे करके ये इसका रेसिंग है। तैयार हो गए हमारे राइडर जी, ये देखिए अपने मुंह से बड़ा तो चश्मा पहन के रखा है इन्होंने। जाइए कटर को चलाइए, जाइए इधर से। गाइस अभी एक ही पट्टी काटी है हमने एक खेत, और अभी से बैठ गए, देखो कैसे खा रहे हैं कुरकुरे लेज। और ये राइडर प्रो एक्स, थोड़ा सा हमने घास भी काट लिया, अभी दूसरे खेत की बारी है, एक खेत नीचे हमने काट दिया। गाइस बहुत बुरे हाल हो चुके हैं हमारी और हमारी मशीन के, ये देखिए कटर की हालत देख सकते हैं आप। और बस ये इस तरफ का लास्ट खेत बचा था, अभी ऊपर की तरफ वो जो दिख रहे हैं उस तरफ, वो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा खेत है अभी भी। सो ये वाली कनक की हम कटाई कर लेंगे आज, इसको थ्रेसिंग कर लेंगे आज। पता नहीं अब कनक लेके जानी है एक जगह से, इस जगह इकट्ठी करके दूसरी जगह उसको रखना है इकट्ठा करके। तो गैस यही था भाई ब्लॉग, यही काम चल रहा था 5-6 दिन से, और यही थी किसान की लाइफ भाई, ब्लॉगर किसान और एडवेंचर मोटो ब्लॉगर भी। यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट करके बताओ कि कौन कौन खेती करता है। ओके बाय।